जाओ जंबो, आज से तुम फ्री हो, अब से तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, जी लो अपनी जिंदगी। जाओ जंबो, जाओ, अगर तुम नहीं गए तो वो लोग फिर से तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हारे चलने फिरने, सोते जागते, खाते पीते हमेशा हमेशा रील बनाते रहेंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, जाओ जंबो, जाओ। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? क्या क्या जंबो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कहना चाहते हो? अबे नौवीं फेल, मैं बोल रहा हूँ इस पट्टे से पैर हटा, तभी तो जाऊंगा ना। ओ जंबो अपनी उस रील वाली लाइफ से निकलकर जा रहा है एक नई जिंदगी में, जहां उसके लिए नए चैलेंजेस उसका वेट कर रहे हैं। तो क्या जंबो इन नए चैलेंजेस के लिए तैयार है? ये जानने के लिए देखते रहिए जंबो और जूनियर के रील्स के कारनामे। जंबो और जूनियर के रील्स के कारनामे को प्रेजेंटेड बाय रूपा चड्डी, पहने और घूमे, मीडिया पार्टनर लखानी टीवी इंडस्ट्री। हेलो, एक मूवी की स्क्रिप्ट, वो भी एक हफ्ते में? हो जाएगा। माफ कीजिए, मैं लेट हो गया, ऑटो वाला 5 रुपए वापस दे ही नहीं रहा था। बोलने लगा, इतने बड़े राइटर हो और 5 रुपए के लिए रो रहे हो, उसे क्या पता गरीब का दूसरा नाम ही राइटर होता है। तो उससे मैंने जैसे तैसे पैसे छीन लिए। खैर, ये रही आपकी स्क्रिप्ट। ये मूवी है कि कैसे एक गरीब बच्चा बनता है एक शरीफ गुंडा। तो मूवी ऐसे शुरू होती है, एक गरीब बच्चा सड़क के किनारे बैठा होता है और अपने सामने वाली बिल्डिंग को निहार रहा होता है। और क्या अमीर बच्चा सड़क पर बैठा होना चाहिए? चलो ठीक है, एक अमीर बच्चा जिसने गरीबों जैसे कपड़े पहने होते हैं और सड़क के किनारे बैठा होता है और अपने सामने वाली बिल्डिंग को निहार रहा होता है। और तभी उसे भूख लगती है और वो अपने बगल में सड़क पर पड़ी हुई रोटी को देखता है। क्या सड़क पर रोटी नहीं बल्कि मैकडॉनल्ड्स का आलू पैटी होना चाहिए, वो भी फ्रेंच फ्राइज और पेप्सी के साथ? ठीक है। और वो बच्चा सड़क पर पड़े मैकडॉनल्ड्स के आलू पैटी कॉम्बो को देखता है और उसके मुंह में पानी आ जाता है और फिर वो उसे खाता है। और खाने के बाद उस अमीर बच्चे को, जिसने गरीबों वाले कपड़े पहने होते हैं और आलू पैटी खाई होती है, नींद आती है और वो रोड के किनारे सो रहा होता है। क्या रोड के किनारे नहीं बल्कि 3 BHK वाले रूम में? ठीक है, उस बच्चे को नींद आती है स्क्रिप्ट के एंड में। और तब एक आइटम सॉन्ग बजता है। क्या मम्मी पापा पर गाना? अबे पागल हो गया है क्या, ये डालो वो डालो, बच्चा अमीर होना चाहिए, आलू पैटी खाना चाहिए, 3 BHK में सोना चाहिए और मूवी चाहिए गरीब स्ट्रगलिंग बच्चे पर? करण जौहर है क्या? मेरा ईमान बिकाऊ नहीं है, मैं ऐसी फालतू स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ। हाँ सर, मैं ऐसी ही फालतू स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मेरा मतलब है ऐसी ही सुपर डुपर स्क्रिप्ट लिखता हूँ। और क्या कॉन्सेप्ट है, गरीब बच्चा मैकडॉनल्ड्स में खा रहा है, 3 BHK में सो रहा है, ओ हो 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 हो, एकदम जहर कॉन्सेप्ट है, जनता देखकर तो पागल ही हो जाएगी पागल, मैं बता रहा हूँ सर, लिख के ले लो। हाँ वैसे सर सुनो ना, हेलो सर, एक रिक्वेस्ट है सर, इसके एंड स्क्रिप्ट में मेरा नाम मत लिखना, वो क्या है ना, मैं नहीं चाहता फिल्म देखने के बाद जनता मुझे पीटने के लिए आए, क्योंकि आपको तो आदत है पर मुझे नहीं है ना। तो सब कुछ रेडी है ना, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेक टू मूवी स्टार्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बना एक बहुत ही शानदार मूवी, आखिर क्या चीज मूवी को हिट बनाती है, या सुपर हिट बनाती है या सुपर डुपर हिट बनाती है। एक्शन, इमोशन, ड्रामा और अच्छा सब कुछ डाला मगर फिर भी मूवीज नहीं चली। और जब प्रोफेसर एक्स सोच ही रहे थे कि क्या मिसिंग है, पता नहीं जनता को क्या हो गया है, आजकल बेवकूफ ही नहीं बन पा रहे हैं, अब तो टोनी कक्कड़ को हटाकर गुरु रंधावा को भी यूज कर लिया है, फिर भी जनता मूवीज नहीं देख रही है। और उधर वो कल का आया हुआ पंकज प्रोड्यूसर, पता नहीं उसकी मूवीज हिट कैसे हो रही है। ये सोचते हुए तो मुझे भूख लग गई, जाकर पता करता हूँ कि आज सुषमा बाई ने क्या बनाया है। अरे हाँ, वो तो 5 दिनों से आई ही नहीं, बीमारी का बहाना लगाकर घर बैठी हुई है, इस समय वो खाना नहीं बल्कि मेरा बना रही है। तभी गलती से उनसे इसमें मिक्स हो जाता है एंटी ग्रेविटी कॉन्सेप्ट।
और अनवांटेड आइटम सॉन्ग्स। और तब से प्रोफेसर एक्स अपने फेवरेट सेलो पेन और कॉपी के साथ यही रहते हैं। ना समझ प्रोड्यूसर ने तो जनता का बेवकूफ ही बना रखा है। ऊगा बुगा 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 बुगा। मूवीज वो फैंसी वर्ल्ड होते हैं जिनमें एडवेंचर, एक्शन, फाइटिंग, सस्पेंस और इमोशंस होते हैं जो ऑडियंस को उस मूवी में पहुंचा देते हैं। मगर बात करें इंडियन मूवीज की, नहीं, स्पेसिफिकली बॉलीवुड मूवीज की, तो उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, पहले की मूवीज ऐसी होती थी, मगर अब सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो गया है। हाँ, तो हम फिर से एक मूवी बना रहे हैं जिसका नाम है जादुई कमल। इस मूवी में एक हीरो होगा और एक हीरोइन। हीरोइन शाणे, वो वाली हीरोइन नहीं, एक्ट्रेस। ओ, और हीरो हीरोइन का प्यार पाने के लिए विलन से लड़ता है। बस खत्म, यही थी हमारी मूवी जादुई कमल। तो हीरो कौन बनेगा? तू नहीं शाणे, पिछली मूवी में लिया था, इतनी खराब एक्टिंग की थी कि फिल्म ही फ्लॉप हो गई। सर, इसके पापा ने मूवी के लिए पैसे दिए हैं। क्या? शाणे नहीं, वो मूवी तो हाँ, इस स्पॉट बॉय के कारण फ्लॉप हुई है। ढंग से पानी ही नहीं पिलाता है किसी को। चल पिला पानी। तो हीरो तो मिल गया, अब हीरोइन कौन बनेगी? तू नहीं शाणी, तुझे तो ये भी नहीं पता कि 2+2 कितना होता है। सर, इसके भी बाप ने पैसे दिए हैं। क्या? अरे शाणी, तू तो जीनियस है रे, तू ही हीरोइन बनेगी। सर, वैसे मूवी का नाम जादुई कमल क्यों है? क्योंकि ना तो इसमें कमल है और ना ही जादू की कोई बात हुई है। वो इसके भी बाप ने पैसे दिए हैं क्या? नहीं सर, ये तो टैलेंटेड स्ट्रगलिंग एक्टर है। अच्छा शाणे, तुझे सब कुछ जानना है, चल भाग यहाँ से, तेरा रोल कट। पर सुनो तो सर, मैं मीडिया से हूँ और आपके इस कारनामे की वीडियो बन गई है, अब इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाएगा। अरे शाणे, तू तो बुरा मान गया, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक कर रहा था सर, मैं कोई मीडिया से नहीं हूँ, मैं तो बस आपको अपना टैलेंट दिखा रहा था। तो कैसा लगा सर? शाणे, तेरा नाम क्या है? कमलेश। हेलो शाणे छपरी डॉन। हाँ, कमलेश की सुपारी लिख। और इतना सब होने के बाद भी मेरा यही मानना है कि मूवीज बनाना कोई आसान काम नहीं है। आखिर इतनी प्रिडिक्टेबल स्टोरी और फिजिक्स की इतनी बुरी बेइज्जती करना कोई आसान काम थोड़ी ना है।